मेरे प्यारे बहन और भाई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप इस्तारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो अपनी इस बहन को याद रखें इन शाला आपकी भरपूर मदद की जाएगी आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ सूर्य फातह का सूर फातह अलहमदिल्ला पा की पहली सूरत है और बुज़ुर्ग आने दीन का इस सूरत से वो तलग है अलहमदल जिसने भी इस सूरत को लेकर अमल किया या वजीफ़ा किया इन कामयाबी ही मिली ये वजीफ़ा हम किस मकसद के लिए कर सकते हैं इसका जो तरीका है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है वो भी मैं आज आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगी वो आप ज़रूर ग़ौर से सुन लें आपने जो है अगर आप बाज़ार से अतर ले आए या आपके पास कोई सा भी अतर मौजूद है वो अतर ले लें ठीक है अगर कोई परफ्यूम मौजूद है तो परफ्यूम ले लें ठीक है अगर ये चीज़ें भी नहीं हैं आपके पास तो आप ऐसा करें कि आप आपरे गुलाब ले लें ठीक है अरके गुलाब ले लें ये ले सकते हैं या फिर आप तस्वुर में ला कर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं दम कर सकते हैं तरीका इसका ये है कि सूर फातिहा सूर फातिहा को जो तरीक़ा मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप पढ़ें सुबह फजर के टाइम आप ये वजीफ़ा करें सुबह फजर के टाइम जब वजीफ़ा करना है तो फजर की नमाज़ से पहले ही आप सूर फातिहा का दो नफर हाजत के पढ़ के सूर फातिहा का वजीफ़ा करें तीन मरतबा सूर फातिहा आपने पढ़नी है तीन दिन का अमल है और तीन मरतबा ही आप सुरफ़ात पढ़ेंगे आपने क्या करना है अपने जिससे आप मुश्र और तस्खीर करना चाहते हैं जो आपका प्यारा है जो आपसे मोहब्बत करता है तो उसके लिए आप अमल करना चाहते हैं तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपको उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो आप अम्मा लिख सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको उसके वालद का नाम पता है तो वालदा की जगह वालद का नाम लिख लें या फिर आप जो अम्मा भी कह सकते हैं अब आपने क्या करना है शरीफ को आपने स्टार्ट करना है अलहमद रब्बिल आलमीन से स्टार्ट करेंगे और आमीन तक ख़त्म करेंगे और आपने आखिर में सिर्फ नाम लेना है जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं यानी आला खूब और फलाँ बिन फलह यानी लड़के का नाम या लड़की का नाम उसके बाद उसकी वालदा का नाम आप लेंगे तस्वूर में आप ज़रूर रखेंगे कि आपके सामने ही आपका प्यारा हाथ बाँधे हाथ जोड़े खड़ा है और आपसे माफी तलाफ़ी कर रहा है यह तस्वुर ऐसा बांधे और उसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल उसी तरह अगले दिन होगा अगले दिन उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यारा आपके सामने खड़ा होगा और आपसे माफ़ी तलाफी करेगा ये एक ऐसा राज है ये आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा सिर्फ़ तीन मरतबा तस्वूर में फ़जर से पहले वक्त की पाबंदी कीजिएगा और बावजु होकर यह वजीफ़ा करें जब आप ये कर लें उसके बाद जब आपका काम हो जाए तो आप एक तो सबसे पहली बात है कि आप उसको माफ़ कर दें जो भी उसने गलतियाँ की हैं जो भी कुतायाँ की हैं या आपको तकलीफ पहुँचाई या नाराज़ किया यहाँ तक कि आपको उसने अगर ब्लॉक कर दिया है या वो फ़ोन नहीं करता आप चाहते हैं इसका फोन जो तस्वुर में रखेंगे जैसा तस्वुर रखेंगे अगर तो वो हाथ बांधे सामने खड़ा होने का तस्वर करेंगे वो बिल्कुल इसी तरह आपके सामने हाथ बांधे दे तस्वुर में खड़ा अगर आप सोचेंगे कि आपके वो कॉल करे, उसी वक्त कॉल करे, या फिर आपको वो कॉल कर रहा है या इस तरह देखेंगे उसी तरह ही होगा ये इतना नया वजीफा है ठीक है ये आपने करना है अब आपने क्या करना है जब आपका मतलब कि ये सारा काम हो जाए ठीक है आपने नफल भी पढ़ लिए आपने वजीफा भी कर लिया उसके बाद सजदे में जाकर आपने एक मोकलिन का नाम लेना है या एक मकलिन का नाम लेना है या जब्राइल मदद कर या जब्राइल मदद कर हुक्म बाह या ज़ब्राइल मदद कर हुक्म अल्लाह ठीक है ये आपने बस करना है देखें जब आप वजीफ़ा कर लें मतलब कि वजीफ़े के बाद जब आप अपना पूरा वजीफ़ा कर लें तो फिर आपने क्या करना है कि सीधा सईदे में चले जाना है सईदे में जाकर आपने जो फरिश्ते हैं सबसे बड़े उनका नाम लेकर अल्लाह का हुक्म देकर तो आपने उनसे जो है दुआ करवानी है ठीक है तो इन जो आपने तस्वुर कायम किया वही तस्वर होगा वही पूरा होगा इन लेकिन इसका नजायज़ इस्तेमाल ना करें किसी को अपनी तरफ बुलाने के लिए ना करें तो ये जो सा इतना आला वजीफ़ा मैंने आपको बताया इसका गलत इस्तेमाल आप इसके जो है खुद आपको इसकी जो भी, भी परेशानी होगी वो आपको खुद उठानी पड़ेगी ये उल्ट भी हो जाता है अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के कलाम का तो बनाओ बिना कभी भी हम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाज़त है अपना ख्याल रखिएगा दबाओं में याद रखिएगा जसाकल्ला ख़ैरा अगर आप इसखारा रूहानी इलाज करना चाहते हैं या आपको कोई आपके किसी प्यारे का सी मुश्किल परेशानी है तो आप ज़रूर राबता करें अल्लाह हाफिज़